आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर एमजे के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में 75 पौधे लगाए गए। मोतिहारी वन प्रमंडल के द्वारा स्थानीय एमजे के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मोतिहारी के सभागार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 73वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। एमजे के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मोतिहारी के छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया और सभी अतिथियों को चंपा का पौधा देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि जल जीवन हरियाली का भी यही उद्देश्य है कि ग्रीन कवर हमें बढ़ाना है। इसी कड़ी में आज पर्यावरण को बचाने के लिए वन महोत्सव का महत्व अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत मनरेगा के द्वारा जीविका दीदी के पौधशाला एवं वन विभाग के पौधशाला से जिले भर में लगभग 7 लाख से अधिक पौधे लगाने का कार्य प्रगति पर है। आगे उन्होंने कहा कि दिनों दिन धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा वृक्षों की संरक्षित कर एवं वृक्षारोपण करके ही इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी छात्राएं प्रतिवर्ष एक पौधा लगाकर पृथ्वी को ग्रीन कवर में मदद कर सकती हैं। वहीं वन प्रमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सुश्री श्वेता कुमारी ने बताया कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं, क्योंकि 33% वन रहना आवश्यक है, तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष के बिना प्रकृति और हमारे जीवन की परिकल्पना करना व्यर्थ है, लेकिन वृक्षों की कटाई के चलते यह 30% से भी कम हो गया है, जिसके कारण बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि एवं कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, यह सब वृक्षों की कटाई के कारण ही उत्पन्न हुआ है। इस अवसर पर लाल बाबू शाह प्राचार्य एमजे के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, सुशील कुमार गौरैया संरक्षक एवं प्राकृतिक प्रेमी, संगीत शिक्षिका रीना झा, आरती रानी, अमृता कुमारी के साथ साथ कॉलेज के छात्राएं उपस्थित थे। लाइव 24 न्यूज ब्यूरो मोतिहारी। डीएफओ जो है पूर्वी चंपारण के श्वेता जी के द्वारा यहाँ पे जो है वन महोत्सव एमजे के स्कूल में आयोजित किया गया है, और आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ किस तरीके से हरियाली यहाँ पे है। हमारा जल जीवन हरियाली का भी उद्देश्य यही है कि ग्रीन कवर जो है हमको बढ़ाना है, और उसी कड़ी पे जो है जैसे सूचना मिली है कि 95 पेड़ जो है बच्चियों के द्वारा यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो एमजे के स्कूल के सभी प्रशासन और वन विभाग का सभी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि जिनको जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत, सोशल फॉरेस्ट्री के तहत जो है पेड़ चाहिए, जो नर्सरी जीविका दीदियों के माध्यम से और फॉरेस्ट विभाग के दिशा निर्देश में तैयार की गई है, उस वहाँ से वो पेड़ जो है सस्ते दरों में और कुछ जगह पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनके द्वारा जो है दिए जा रहे हैं। कृपया उसका लाभ जरूर ले लीजिए, ताकि इस पृथ्वी को बचाने में, ग्रीन करने में जो है हम सभी लोग अपना योगदान दे सकें। थैंक यू। आज के 73वें वन महोत्सव के आयोजन भी चीफ अतिथि, मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी महोदय थे। उनके भाषण और बच्चों के सहयोग से वन महोत्सव को काफ़ी, वन महोत्सव के माध्यम से देश और स्पेशली मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट को ये जागरूक करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक पौधे अपने घर में, परिसर में, जन्मदिन के अवसर पे या कोई भी सालगिरह, कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो उस अवसर पे यादगार के तौर पे एक पौधे लगाएं। उससे ही काफ़ी वनाच्छादन बढ़ सकता है मोतिहारी का। हमें 33% लाना है और यही हम लोगों को संकल्प करना है। अगर हम एक साथ मिल जाएं तो ये संकल्प अवश्य पूरा होगा।